টিইউসির পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বুধবার খড়দহ রবীন্দ্র ভবনে প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মজদুর রতন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিইউসির জাতীয় সভাপতি স্বামীনাথ জয়সওয়াল, জাতীয় সম্পাদক শান্তনু কারার, আইএনটিইউসির রাজ্য সভাপতি প্রেমনাথ কর্মী, ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা সিপিআইএম নেতা তড়িৎ বরণ তোপদার, এসসিএমইউ নেতা দেবাশিস দত্ত সহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা। এই দিনে কর্মসূচি দেখে 150 জন নেতা এবং কর্মীদের তাদের ট্রেড ইউনিয়নে অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মজদুর রতন পুরস্কার। এদিন বিভিন্ন স্তর নেতৃত্বদের সম্মাননা জানানোর পাশাপাশি বিশেষ দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্য শ্রমিকদের সাথে বারবার সরব হয়েছেন স্বামীনাথ জয়সওয়াল। কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে আগামী দিনে এভাবেই প্রতিবাদে সরব হয় বলে জানালেন এই বর্ষের রাজনীতিবিদ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আই 8 সাল में निरंतर मजदूरों पर आहत कर रही है। जिस तरह से कोरोना काल में आपातकालीन स्थिति हो गया, 2020 में पद से पैदल चलने के लिए असंगठित संगठित सबसे ज़्यादा बिहार बंगाल झारखंड के मजदूर थे जो पद से पैदल चलते हुए भूखमरी से मर गए, आज भी बेहाल हैं। जिस तरह से आए दिन महंगाई बढ़ रहा है, सरकार अपना कोई दायित्व निर्वहन नहीं कर रहा है। सरकार को चाहिए, मजदूर 80% आबादी देश का है, देश का कर्णधार है, देश के हर चीज़ के संरचना में श्रमिकों मजदूरों का हाथ है। वो अपने खून पसीना से देश की उन्नति और प्रगति बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को खड़ा करते हैं, लेकिन उनको मापदंड के अनुसार भी उनको पैसा नहीं दिया जाता है। 8 घंटा के जगह पर 12 घंटा काम कराया जाता है। उनको जो सरकार निर्धारित करता है कि हमको इतना 375 देना है, 400 देना है, वो भी पैसा नहीं देता। उसी का लड़ाई हम चाह रहे हैं। बंगाल ऐसा भूमि है जो माँ काली का धरती है, यहाँ से मजदूरों का धरती है, यहाँ से मजदूरों को अपेक्षित किया जा रहा है पूरे देश के। ये भारतीय जनता पार्टी का मापदंड में जिस तरह से आटा, तेल, सरसों और दवाई और जो रोज मजदूरों का खाने पीने नमक तक का भाव दूना हो गया, मजदूर का मापदंड जो बना है वो चल रहा है, मजदूरों का पैसा दूना नहीं हुआ। आप पत्रकार भाई भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, आप 8 घंटा की जगह 12 घंटा सेवा करते हैं लेकिन आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, जो सीमित है वही लड़ाई मेरी है। और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से जिस तरह से देश आज उनको काल्पनिक बताया जा रहा है कि कुछ किए नहीं, 70 साल का करते हुए 8 साल का हिसाब इनसे पूछा जाता है कि जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी की बात की है, 15 लाख खाते में आने की बात की है, मजदूरों को गुमराह कर जिस तरह से सरकार बना तो लिए एक बार नहीं दो बार, लेकिन आज जरूरत है मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए। तो आज आप ज्ञान बापी और ताजमहल की बात करते हो कि उसकी समीक्षा किया जाए, यहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ मजदूरों के हाथ में काम देने की बात होनी चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करनी चाहिए, तो वो बात को किस तरह से गुमराह किया जाए, भ्रमित किया जाए। ये भ्रमित करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार से हमारा सड़क से संसद तक लड़ाई रहेगी। जब तक मजदूरों और श्रमिकों को न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हमारा एक बंगाल के भूमि से शुरुआत होगा। पूरे देश में हमारा मांग रहेगा कि जब तक मजदूरों का हक नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, सड़क से संसद तक जाम करेंगे और देश के मजदूरों को, मजदूर संस्थाओं को एक कर सब मजदूर एक हैं और मजदूर के नेता भी एक हैं, सबको एक होना होगा। सबकी मांग यही है कि महंगाई से मुक्ति मिले और हमको गुमराह करके धर्म में मत बांटो, जात पात धर्म में बांट कर जिस तरह से आप वोट का राजनीति कर रहे हैं ये राजनीति नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए कि हमें पेट के भूख मर रहे हैं तो हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, श्रमिकों को काम चाहिए। आप देख रहे हैं अडानी एक मामूली आदमी थे, स्कूटर से चलते थे, आज 8 साल के अंतराल में विश्व का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। आपका रेलवे चाहे जो भी मजदूर जहाँ काम कर रहा है, एयरपोर्ट, रेलवे, LIC से लेकर सारा बैंकिंग सिस्टम उसके हाथ में दिया जा रहा है अडानी अंबानी के हाथ में देकर। हमारे बंगाल के मजदूर, बिहार के मजदूर, झारखंड के मजदूर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मजदूर सब अपेक्षित हो रहे हैं। जहाँ का कारखाना वहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता, हम चाहते हैं कि जो जहाँ का है उसको बाहर न जाना पड़े, जो जहाँ का है वही मजदूरों को हाथ में काम मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार एक सूट बूट वाली सरकार है जो लोगों को दर्द और पीर पराए जाने ना, जो गांधी जी बोले पीर पराए जाने ना, और जो राम का नाम लेकर और धर्म का नाम लेकर आप चुनाव में तो जीत लेते हैं लेकिन अभी भी वो जहर बोले कश्मीर फाइल दिखा रहे थे चुनाव 4 राज्यों के जीतने के बाद, और उसके बाद कश्मीर फाइल में 92 में बीपी सिंह सरकार था और भाजपा के 80 MP समर्थन के साथ और जगमोहन वहाँ के गवर्नर थे, ये नहीं बताया कि ये पाप मेरा किया हुआ है। जनता को गुमराह धर्म के नाम से बांटा जा रहा है, जात के नाम से बांटा, जात धर्म में हम एक हैं, और जब देश आजाद कराना था तो सब एक सूत्र में हर जात के लोग हर धर्म। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।